हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं बर्तन मांज रही हूँ तो हमारा सुबह का नाश्ता हो गया है, सभी नाश्ता कर लिए हैं, मैंने भी नाश्ता वगैरह सब कर ली हूँ और इसके बाद बची ये बर्तनों को मांज रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बाल मैंने आज धोकर स्नान किया है तो बालों को देखिए, मैंने ककहा नहीं लगाया है, मतलब इस बाल को झाड़ी नहीं हूँ अभी, और ऐसे ही मैं चाय बनाने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई आ गए थे मेहमान तो मैं चाय में लग गई बनाने में, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला बालों को झाड़ने का। तो मैंने इसी तरह लपेट ली हूँ और लपेट कर इस थोड़ा सा लपेट ली हूँ बालों को और फिर चाय बनाने लगी यहाँ पर। तो चाय बनाने के बाद मैं दोपहर का नाश्ता भी बनाऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर दोपहर के खाने का, तो मैं इसके बाद खाना भी बनाने लगूँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और मेरा सुबह का काम पूरा कंप्लीट हो गई है और नाश्ता वगैरह भी मैंने सबने कर ली है और मैं दोपहर का खाना मैं बनाऊँगी। तो अभी चाय क्यों बन रहा है यही सोच रहे होंगे ना आप लोग। तो मैं यहाँ पर चाय इसलिए बना रही हूँ कि कोई मेरे घर में मेहमान आए हैं तो मैं उन्हीं के लिए ये चाय बना रही थी। और कोई भी मेहमान आते हैं तो पहले चाय से ही स्वागत होता है कुछ मीठे से, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और आप लोगों को भी मीठे से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, तो मैं सपना आप लोगों को बहुत 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 स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में फ्रेंड्स। तो मैं चाय जा रही हूँ छान लेने। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो में आगे बने रहें। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आलू छील रही हूँ और मैंने आलू को पकाया है और मैं बना रही हूँ आज चावल और आलू दम। तो आज मेरे घर में हरी सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी तो मैंने आलू की ही सब्ज़ी बनाई हूँ आलू दम। तो मैं कैसे आलू दम बनाती हूँ आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ाया है और उसमें पचफोरन डाला है। आप पचफोरन डालेंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी लगेगी अगर आलू दम में पचफोरन डालेंगे तो। तो पचफोरन थोड़ा सा तड़कने के बाद इसमें मैंने प्याज डाला है और प्याज डालने के साथ इसमें मैंने कस्तूरी मेथी भी डाली हूँ। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें टमाटर कटा डाला है और इसमें नमक भी डाल दी हूँ, पकने थोड़ा सा गलेगा नमक दूंगी तो। तो इसके बाद मैंने मसाला डाला है और मसाला में हमने इसमें डाला है धनिया पाउडर, हरी मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने कर के इसमें डाला है। तो फ्रेंड्स, इसे मुझे अच्छी तरह से 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है और इसके बाद ये कटा आलू इसमें डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे 2 मिनट के लिए।
और इसके बाद ही इसमें पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा सब्ज़ी तैयार है बनकर। तो मैं इसे चावल भी बनाई थी और चावल और सब्ज़ी मेरा बनकर तैयार है। और इसके बाद मैंने बच्चों को दे दी, हस्बैंड खा लिए हैं, मैं भी खा ली हूँ। और खाने के बाद लग गई हूँ मैं फ्रिज की सफाई में। तो मैं यहाँ फ्रिज की सफाई अच्छे से कर लूँगी, बहुत गंदे हो गए थे मेरे फ्रिज, तो इसलिए मैंने इसे कपड़े भिंगा कर इसे कपड़े को अच्छे से गार कर और मैंने पोछ डाली हूँ सारे फ्रिज को। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, जितने बर्तन थे दोपहर का बर्तन, जो खाने पीने के बर्तन, तो उसको मैंने सब मांज लूँगी एक जगह करके। तो मैं इस तरह से सभी को मांज लूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मेरे हस्बैंड आए हैं और हाथ किचन में ही आकर धोते हैं, तो उन्हीं को मैं बोल रही थी कि जब न तब किचन में ही हाथ आकर धोते हैं, तो बाहर नल नहीं है जो बाहर नहीं धोते हैं, यही कह रही थी मैं उनसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बर्तन को सारे मांज कर इसे पानी से धो लूँगी और धोकर इसे मैं रख दूंगी। और ये मेरा मिक्सर था और मिक्सर भी अच्छे से मैं धो ली थी, उसी टाइम धो लेती हूँ, पर आज मैंने नहीं धोई थी, अभी धो रही हूँ मिक्सर को। मिक्सर को यूज़ करने के बाद तुरंत धो लेना चाहिए। तो मैं गैस वगैरह सब पोछ कर रसोई रूम पूरा क्लीन करके मैं आ गई हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा बेसन और हल्दी से चेहरा को धो लूँगी। आज का वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।